आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफई, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी एफ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी, ए बी सी, और दे रखा है डी ई एफ, डी ई एफ, और क्या दे रखा है, एंगल ए 30 दे रखा है, एंगल सी 50 दे रखा है, ए बी जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 8 सेंटीमीटर और डी एफ कितना है 7.5। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई फॉर डी एफ ई, डी एफ ई, तो ए जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है डी को, बी वर्टेक्स कर रहा है करस्पॉन्ड एफ को, सी वर्टेक्स करस्पॉन्ड कर रहा है ई को, तो एंगल डी जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलरली एंगल सी जो है 50 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ई भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है एंगल एफ पूछा हुआ है या एंगल डी पूछा हुआ है, तो अब हम एंगल एफ निकाल लेते हैं। तो एंगल एफ क्या होगा, हमें पता है एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 30, तो एंगल एफ की वैल्यू आ गई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं, या तो एंगल डी 30 है या एंगल एफ जो है वो 100 हो, यानी कि ऑप्शन बी है करेक्ट या ऑप्शन डी है करेक्ट, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब दिया हुआ है ए बी सी इफ सिमिलर टू डी एफ ई, ए बी सी इफ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई, तो यहाँ से मैं रेशियो लिख सकती हूँ, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी ई। ठीक है, अब चिफ चिफ की वैल्यू दे रखी है डाल दो, वो हो जाएगा 5 अपॉन डी एफ इफ 7.5 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ ई, कुछ नहीं दिया उसमें से, ए सी इफ योर 8 डी ई डी ई, तो यहाँ फिर डी ई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ फिर डी ई हो जाएगा हमारा 8 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल हटाओ जीरो लगाओ तो ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 ये 4, तो यहाँ फिर डी ई की वैल्यू क्या आ गई, डी ई की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी कि डी ई जो 12 है वो 12 सेंटीमीटर है और एंगल एफ 100 डिग्री है, यही हमें निकालना था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।